क्या आपने कभी सुना है कि घर में नरसिंह भगवान की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? तो यकीनन आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। जब नरसिंह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं तो ऐसा क्यों? क्या भगवान ही भक्त का नुकसान कर सकते हैं? नरसिंह भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? नरसिंह भगवान असल में है कौन? नरसिंह भगवान श्री विष्णु के चौथे अवतार हैं। ये तो आप सबको पता है। और कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप का उसी के राज सिंहासन पर बैठकर उसकी छाती अपने नाखूनों से फाड़कर वध किया था। जिन्हें इसका कारण नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्यकश्याश के चार भूदेवी को अगवा कर छुपाने के कारण वरा अवतार लेकर उसका वध किया था। लेकिन इस पर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से नफरत करने लगा और अपने राज्य में विष्णु की पूजा करने को वर्जित कर दिया। अगर कोई विष्णु जी की पूजा करता तो उसी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता था, जहां उन्हें भूखा प्यासा तड़पाया जाता था। भगवान विष्णु उसका भी वध ना कर दे, इसीलिए उसने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की साधना की और उसने वरदान प्राप्त किया। ना उसे कोई जानवर, ना इंसान, ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर, ना दिन में, ना ही रात में, ना किसी अस्त्र शस्त्र से कोई भी कभी भी मार ना पाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग तरीकों से प्रहलाद को समझाया और उसके ना मानने पर उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार विष्णु जी की कृपा से वो बच जाता था। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में भर गया और उसने अपनी राजसभा में सबके सामने प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे श्री हरि? जिस पर भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया कि वो तो हर कर्ण में है। इस सभा में भी हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, क्या वो इस खम्बे में भी है? भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ बिल्कुल है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर है अपने श्री हरि से कहो कि आज इस खम्बे से बाहर निकले और मुझसे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। तभी भक्त प्रहलाद के बुलाने पर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उसी खम्बे को फाड़कर बाहर आए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही हिरण्यकश्यप का वध किया। तो अब आप खुद सोचिए कि जो अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए वो अपने भक्तों का बुरा कैसे कर सकते हैं? बस नरसिंह भगवान की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। जैसे नरसिंह रूप भगवान का विकराल रूप है, इसलिए उन्हें हमेशा शांत रखने के लिए उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ ही स्थापित करें। घर में मांस या शराब आदि का सेवन बिल्कुल ना करें और उनकी सेवा पूजा अर्चना का भक्ति रूप से ख्याल रखें। बस इतना ही। इसलिए जो भी अगर आपसे कहे कि नरसिंह भगवान की पूजा ना करें, उन्हें यह जवाब जरूर बताइएगा, बल्कि ये वीडियो ही उनके साथ शेयर कीजिए और अपने धर्म की जानकारी लेते रहिए।